बहाली को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, शिक्षक बहाली परीक्षा का रिजल्ट देर से जारी होगा। बड़ी जानकारी आपको दे दें, बिहार में शिक्षक बहाली परीक्षा का रिजल्ट देर से जारी होगा। 7 दिन की देरी से शिक्षक बहाली का रिजल्ट जारी होने वाला है। आपको बता दें, बताया जा रहा है कि 27 से 29 सितंबर के बीच में हाई स्कूल और +2 का रिजल्ट जारी किया जाएगा, फिर 28 से 30 सितंबर तक प्राइमरी का रिजल्ट आने वाला है। आयोग को सीटेट के रिजल्ट आने का इंतजार है। सीटीटी अपियरिंग कैंडिडेट की वजह से रिजल्ट में देरी होगी और 28 सितंबर को सीटेट का रिजल्ट जारी होगा। बीपीएससी ने 90% रिजल्ट शीट तैयार कर लिया है और इस आपको बता दें कि कुल 1,70,461 पद के लिए परीक्षा हुई थी जिसका रिजल्ट आने वाला था, लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि 7 दिन की देरी से शिक्षक बहाली का रिजल्ट आएगा। 27 से 29 सितंबर के बीच में हाई स्कूल और +2 के रिजल्ट जारी होंगे, वहीं 28 से 30 सितंबर के बीच प्राइमरी का रिजल्ट जारी होगा। रजनीश हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए। रजनीश, और लंबा इंतजार करना पड़ेगा आप शिक्षक अभ्यर्थियों को? देखिए शिप्रा, ये पहले रिजल्ट जो निकलने वाला था ये 25 सितंबर तक घोषणा हो जाती रिजल्ट की, लेकिन अब इसमें देरी हो रही है क्योंकि सीटेट वाला जो रिजल्ट है वो अब सीबीएसई से बातचीत हुई है बिहार लोक सेवा आयोग की। उसमें ये बात कहा गया है कि 28 सितंबर को सीटेट का रिजल्ट जारी होगा क्योंकि सीटेट अपियरिंग वाले कैंडिडेट भी इसमें शामिल हुए थे शिक्षक बहाली में। तो अब ये जो रिजल्ट घोषणा करने की जो तारीख है वो बता दें आपको कि 27 से लेकर 29 के बीच में जो है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का रिजल्ट जारी होगा, जबकि 28 से 30 के बीच में जो है प्राइमरी वाले यानी 1-5 वाले जो अभ्यर्थी हैं उनका रिजल्ट जारी होगा। तो रिजल्ट सीट लगभग तैयार कर लिया गया है, 90% रिजल्ट का काम पूरा कर लिया गया है। जैसे ही 28 सितंबर को सीटेट का रिजल्ट जारी होगा उसके बाद बिहार में जो है शिक्षक बहाली का भी रिजल्ट एक साथ जारी होगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रजनीश। तो इस वक्त की बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, शिक्षक बहाली से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। शिक्षक बहाली परीक्षा का रिजल्ट देर से आएगा, यानी एक हफ्ते का इंतजार अभी और करना पड़ेगा, यानी 7 दिन के बाद रिजल्ट जारी होने वाला है। और जो डेट बताए जा रहे हैं वो आपको बताएं तो 27 से 29 सितंबर के बीच में सबसे पहले हाई स्कूल और +2 के रिजल्ट जारी होंगे और इसके बाद 28 से 30 सितंबर के बीच प्राइमरी का रिजल्ट जारी किया जाएगा। ये वजह इसके पीछे की बताई जा रही है कि आयोग को सीटेट के रिजल्ट का आने का इंतजार है और उसके बाद ये रिजल्ट जो है वो जारी किए जाएंगे। 28 सितंबर को सीटेट का रिजल्ट जारी होगा और बीपीएससी ने 90% तक रिजल्ट शीट तैयार कर लिया है, लेकिन 7 दिन की देरी के बाद ये रिजल्ट सबके सामने होगा। ऐसे बीच एक